अस्सलाम वालेकुम मेरे देश परदेश वालों, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत है मेरे देश परदेश वालों? बादाम हर बंदे की पसंदीदा ग़िज़ा है जी। हर बंदा बड़े शौक़ से बादाम खाता है जी, बच्चे से लेके जवान तक और जवान से लेके बूढ़े आदमी तक हर बंदा बादाम बड़े शौक़ से खाता है। बिल्कुल जी, बादाम खाने चाहिए और बादाम में इतनी ग़िज़ाइत है कि बंदा हैरान रह जाता है। इस छोटी सी अल्लाह ताला की नेमत में ला तादाद खूबियाँ मौजूद हैं। मेरे देश परदेश वालों, एक औंस बादाम में तकरीबन 3.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है और 6 ग्राम के करीब प्रोटीन इसमें पाई जाती है। मेरे देश परदेश वालों, इस बादाम में फाइबर की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। इसमें 160 के करीब कैलोरीज पाई जाती हैं। मेरे देश परदेश वालों, बादाम में फास्फोरस, जिंक और कॉपर पाए जाने की वजह से हमारे जिस्म में जो जहरीले मादे पाए जाते हैं, मवाद पाए जाते हैं, उसको निकालने के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर नेमत है अल्लाह ताला की। और मेरे देश परदेश वालों, इसमें विटामिन ई की वाफर मकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म में खुलियात को एक्टिव रखने में मदद फराहम करता है। मेरे देश परदेश वालों, इसमें फाइबर की बेहतरीन मकदार मौजूद होती है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है और मैग्नीशियम की भी इसमें अच्छी मकदार मौजूद होती है जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। मेरे देश परदेश वालों, बादाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल से इससे हड्डियों के फ्रैक्चर होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। और मेरे देश परदेश वालों, जो एक चीज़ कॉमन है, हर बंदा हर बच्चा इसको इसलिए खाता है कि जी ये दिमाग को मजबूत करता है जी, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत देता है। बिला शुबा दिमाग को ताकत देने के साथ साथ इसमें ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो मैंने आपको गिनवाई हैं, और इससे कहीं ज़्यादा इसकी अफादियत मौजूद है। मेरे देश परदेश वालों, बादाम का रोज़मर्रा इस्तेमाल जो है वो इंसान के स्किन को साफ़ रखता है। बादाम खाने से चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती और बंदा जवान नज़र आता है। जो मेरे देश परदेश वाले चाहते हैं कि हम हर लम्हा लम्हा और हर टाइम हर वक्त जवान नज़र आएँ, तो वो मेरे देश परदेश वाले बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में बादाम को लेके आएं। और अक्सर लोग कहते हैं कि बादाम कितने खाने चाहिए? मेरे देश परदेश वालों, बादाम के अलावा कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो उसको मुनासब मकदार में खाएं, चाहे वो अखरोट है, चाहे बादाम है, चाहे अंजीर है, कोई भी आप नट ले रहे हैं तो उसको एक मुनासिब मकदार में लें। इसका मुनासिब मकदार में इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर किसी भी चीज़ का हम गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान में चला जाएगा। और इसको मुनासिब मकदार में लेने से जो है वो कब्ज़ नहीं होती। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए जाए तो अक्सर मेरे देश परदेश वाले ये शिकायत करते हैं कि ज़्यादा बादाम खाने से हमें कब्ज़ हो जाती है, तो इसलिए इसको मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बादाम खा के रखें, खुशियों का स्विच ऑन करके रखें, अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहें। अल्लाह हाफिज़।